था। जल्लादो, तुम अपनी कारीगरी दिखाओ। सरदार, सरदार, पहरेदार हाशिम और उसके साथियों ने हमारे साथ गद्दारी की है। शाही फौज जो हमारी तलाश में थी उसे साथ में लेकर वो तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहा है। शहजादा फिरोज बख्त, आप यहाँ? हाँ, ये मुझे साथ लेकर डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। हुजूर सिपह सालार, इस नेक शागिर्द की मदद से, इस शैतानी जादूगर की गार से हमें शाही काफिले का सारा लूटा हुआ माल मिल गया है और यहाँ से हमने सारा लूटा हुआ माल भी हासिल कर लिया है। हुजूर, ऐसा लगता है ये मुजस्मा भी शाही काफिले के तोहफे में शामिल होगा। ये मुजस्मा और सब मालो जर बड़ी एहतियात व हिफाजत से हुजूर अताउल्ला शाह सुबेदार के फिरोजा महल में पहुंचा दिए जाएं। डाकू कत्ताल की तरह इस शैतानी जादूगर को भी सख्त पहरे में ले जाकर मौत के कैदखाने में बंद कर दो। ले गए मगर वो तिलस्मी हार कहां है? मारेसिया दोषीजा, कहां हो तुम? दोषीजा मारेसिया, मुझे आवाज दो। मारेसिया, मैं यहाँ हूँ, मेरे पास आ जाओ। दोषी जी मारेसिया, ये क्या हुआ? किसने जख्मी किया है तुझे? बहुत खून बह गया है, कैसे जख्मी हो गई तू? जब मैं हार लेकर भाग रही थी उस वक्त डाकू कत्ताल की तलवार से जख्मी हो गई थी। आफाक और उसके साथियों को बचाने के लिए मैंने जल्लादों को दस लिया। वो मर गए। फिर शाही सिपाहियों के आने से पहले मैंने तिलिस्मी हार चुराकर फिरोजा को गायब कर दिया ताकि शाही सिपाही फिरोजा को ना देख सके। पर्दा नशी फिरोजा की इस बात पर भी पर्दा पड़ गया कि तिलिस्मी हार और तिलिस्मी मुजस्मे के जरिए आफाक और फिरोजा मिला करते थे। मिलने का ये राज भी नहीं खुला। बहुत नेक काम किया है तूने। मोहब्बत करने वालों के राज को राजी रहने दिया, आफाक और उसके साथियों को भी बचा लिया। बड़ी रहम दिल है तू, बड़ी रहम दिल। मैं इतनी रहम दिल नहीं थी। आफाक की मोहब्बत ने मुझे पत्थर दिल से रहम दिल बना दिया। चल मारेसिया, मेरे साथ चल, मैं जर्राह से तेरे जख्मों का इलाज कराऊंगा। नहीं, मैं
मैं तिलस्मी नागन हूँ, और जब तिलस्मी नागन का सर जख्मी हो जाता है तो वो अच्छी नहीं होती। जख्मी होने के बाद दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने के बाद वो मर जाती है, और अब सुबह होने वाली है, मेरी जिंदगी का आखिरी सूरज निकलने वाला है। नहीं मारुसिया, नहीं, ऐसा ना कहो। देखो मौत मुझे लेने आ गई है, ये हार आफाक की अमानत है, उसे दे देना। मैं अपने दिल में एक दुख एक दर्द लेकर इस दुनिया से जा रही हूँ। मैंने तो आफाक को देखा है, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं देखा। काश वो एक बार मुझे देख लेता। मोहब्बत तो किस्मत वालों को मिलती है, मेरी ऐसी किस्मत नहीं थी। आफाक की किस्मत में ऐसी बहुत सी और लड़कियां और औरतें आएंगी, वो मुझ बदनसीब को कहां याद करेगा? वो जरूर याद करेगा। आफाक और फिरोजा की मोहब्बत का ये हार तेरी इस कुर्बानी की याद दिलाता रहेगा। हाँ मारिसिया, ये कहकर तुमने मेरी मौत आसान कर दी। अलविदा, आखिरी नजर, आखिरी सांस, आखिरी सलाम, आफाक तेरे लिए। ये हार नकली था, ये हार असली है। इस हार को बचाने के लिए दुर्शिजा मारेसिया अपनी जान पर खेल गई। शाही सिपाहियों के आने से पहले इस हार के जरिए उसने फिरोजा को गायब करके उसकी इज्जत को बचाया है, हमारी मोहब्बत की मुलाकातों की राज को छुपाया है। वाकई वो तिलस्मी नागन मारेसिया बहुत अजीम थी, वरना मोहब्बत में इतना अजीम तो इंसान इंसान के लिए नहीं होता। दुर्शिजा मारेसिया ने मेरी मोहब्बत के जज्बे में जो कुर्बानी दी है उसका मैं एहसान मंद हूं। उसकी मोहब्बत और कुर्बानी हमेशा मेरे दिल में मेरी जिंदगी के साथ साथ रहेगी। मुझे खुशी है कि अब उसकी रूह हमेशा खुश रहेगी। और शैतानी जादूगर के फरिश्ता सीरत शागिर्द, हम तुम्हें और दिलावर के दोस्त पहरेदार हाशिम और उसके साथियों को भी कभी नहीं भूल सकते। खुदा के रहमो करम और तुम सबकी मदद से ही हमारी जानें बची, वरना कत्ताल तो हमारी लाशों का सौदागर बन जाता, और हमारा ये राज भी नहीं खुलता कि हम तिलिस्मी मुजस्समे की तलाश में डाकू कत्ताल के पास गए थे। बादशाह सलामत, सिपाह सालार और सभी सिपाहियों के साथ दरबारी भी यही समझ रहे हैं कि शहजादा आफाक और शहजादा फिरोज बख्त डाकू कत्ताल को ही पकड़ने गए थे। ऐ बादशाह कागान, छोड़ दे हमें। क्या तू जानता नहीं मैं कौन हूं? जादूगर शैतानी, तू कागान के सल्तनत का बादशाह है,
तो मैं जादूगरी की सल्तनत का शहंशाह हूं। डर मुझसे? हाँ, डर इससे और मुझसे भी, क्योंकि हम दोनों भी तुझसे ताकतवर हैं। इन गुस्ताख बदतमीज गुनाहगारों को गुस्ताखी की सजा दो। जगमा शागिर्द, मेरा शागिर्द होकर मुझसे सीखा हुआ जादू मुझ पर ही चलाकर मुझे गधा बना दिया। तुझे गधा बनाकर गधों की बेइज्जती की है मैंने? तूने मेरे साथ धोखा किया। तू नमक हराम शागिर्द है? हाँ, मैं नमक हराम शागिर्द हूँ। तूने हर नेक इंसान के साथ धोखा किया है। अगर मैंने तेरे साथ धोखा किया तो क्या बुरा किया? मैंने तुझसे तेरा जादू इसलिए सीखा था कि दौलत के लालच और ताकत के घमंड में तूने जिन बेगुनाह इंसानों पर जुल्म किए हैं उन सबका मैं बदला ले सकूं। ये उस्ताद शागिर्द का मुकाबला नहीं था, नेकी और बदी का मुकाबला था। तू शैतान का बंदा है, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह का शुक्र है शैतान के मुकाबले में ईमान जीत गया। मैं डाकू कत्ताल हूँ, मुझे गधे से इंसान बनाकर यहाँ से भगा दे। मैं तुझे बहुत दौलत दूंगा शागिर्द, बहुत दौलत दूंगा। देख, ये भी तेरे लिए नसीहत है। हर जगह दौलत और रिश्वत काम नहीं आती। अभी मैं तुम दोनों को गधे से इंसान बनाऊंगा ताकि दरबार की कार्यवाही शुरू हो सके। सुबेदार मोहतरम अताउल्लाह शाह, हमारी ख्वाहिश है कि आज दरबार की कार्रवाई आपकी जुबाने मुबारक से शुरू हो। जजीराए कागाम की सल्तनत के वली अहद शहजादा आफाक और जजीराए दानियाल की सल्तनत के वली अहद शहजादा फिरोज बख्त ने बागी डाकू कत्ताल, कातिल आमिल और शैतानी जादूगर को जो गिरफ्तार कराने का कारनामा अंजाम दिया है वो हमारे लिए बाइस से फक्र है। इस नाकाबिले फरामोश कामयाबी का सेहरा उन बहादुरों के सर बनता है जिन्होंने शहजादा आफाक और शहजादा फिरोज बख्त की मदद की। मौत की सजा पाने वाले डाकू दिलावर और उसके छोटे भाई यावर की सजाएं मुआफ करके बादशाह सलामत ने दिलावर को नाइब सिपाह सलार के ओहदे से सरफराज किया है और उसके छोटे भाई यावर को अरबी मदरसे का खादिम मुकर्रर किया है।
हाशिम बिन कासिम को बादशाह सलामत का मुहाफिज़े अव्वल और उसके साथियों को महल खास का निगाहबान मुकर्रर किया जाता है। और शैतानी जादूगर के नेक फितरत शागिर्द को चांद सितारों के इल्म का शाही नुजूमी का ओहदा बख्शा जाता है। काजी मोहतरम से मैं दरखास्त करता हूं कि गुनहगारों के गुनाहों की सजा सुना दें। बागी कत्ताल बिन शुजा ने सैकड़ों कत्ल किए, लाखों अशरफियां और सोना चांदी लूटा, और शाही काफिले का सामान और कीमती तोहफे भी लूटे, औरतों को बेवा किया, बेगुनाह बच्चों को यतीम बनाया, बूढ़ों को रास्ते की धूल समझकर अपने घोड़ों की टापों से कुचल दिया। ऐसे बागी बेरहम डाकू को मौत की सजा दी जाती है। कल सुबह इसकी गर्दन काट दी जाए और शहर के चौराहे पर लटका दी जाए। और ये तावीज गंडे करने वाला, अल्लाह के बंदों को धोखा देने वाला आमिल, काला सिफली, इल्म करने वाला जादूगर, ये मुल्क और कौम के लिए डाकू और कातिल लुटेरों से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इस शैतानी जादूगर की पहले खाल खींची जाए, फिर इसकी गर्दन काट कर चौराहे पर लटका दी जाए। ले जाओ इन्हें, काजी मोहतरम के फैसले के मुताबिक कल सुबह सूरज निकलते ही इन दोनों जालिम गुनहगारों की गर्दनें काट कर शहर के चौराहे पर लटका दी जाएं। हुक्म की तामील हो। लेकिन मेरी मुलाकात फिरोजा से कैसे होगी? मुजस्मा तो वापस फिरोजा महल पहुंच गया है। वो समझती होगी कि जब कत्ताल पकड़ा गया है तो मुजस्मा कत्ताल से मैंने हासिल कर लिया होगा, मगर मेरे पास तो सिर्फ हार है। मेरा दिल उदास है, फिरोजा भी उदास होगी। आफाक, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो कि तुम मुजस्मा हासिल करने के लिए डाकू कत्ताल की मौत की गार में पहुंच गए, फिर खुदा ने हमारी मदद की, तुम हम सब वहां से कैसे बचकर जिंदा आ गए, वाकई ये खुदा की कुदरत थी। लेकिन हमारी मदद किसने की, ये राज अभी तक मालूम नहीं हो सका। वो तिलस्मी हार की वजह से शाही सिपाहियों के आने से पहले ही मैं डाकू के यहां से गायब होकर वापस अपने महल में पहुंच गई। ये अच्छा ही हुआ, वरना तिलस्मी हार और तिलस्मी मुजस्मे के जरिए मेरा और तुम्हारा मिलने का राज खुल जाता और यहां सबको मालूम हो जाता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। और अब तो शाही काफले का लूटा हुआ सब मालो दौलत और तोहफे मिल गए हैं। तुमने आफाक वो तिलस्मी मुजस्मा और हार भी हासिल कर लिया होगा, फिर तुम मुझे क्यों नहीं बुलाते? मुझे बुलाओ आफाक, या मुझे तुम कहीं मिलो। आओ हम दोनों मर जाएं। मैं फिरोज बख्श से शादी नहीं करूंगी। मैं फिरोज बख्श से शादी नहीं करूंगी। हुजूर, हुजूर, क्या है? हुजूर, बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। क्या मेरे नसीब में जो मौत लिखी थी वो आ गई है? खुदा ना करे ऐसी मनहूस बातें जुबान से ना कहिए। खुशी की बात तो ये है कि जजीराए कागान के बादशाह सलामत शहजादा आफाक के अब्बा हुजूर ने शहजादा फिरोज बख्त से आपकी शादी के लिए अनमोल और नायाब तोहफे भेजे थे, जिसे बागी डाकू कत्ताल ने लूट लिया था। वो सारे मिल गए हैं। डाकू कत्ताल और शैतानी जादूगर के सर काट कर चौराहे पर लटका दिए गए हैं। आपके अब्बा हुजूर ने फरमाया है
कि आप शादी के वो अनमोल तोहफे दीवाने खास में जाकर देख लें और अपनी खुश नसीबी पर नाज करें। आफाक, मेरी बदनसीबी को एक खुश नसीबी कह रही है जब मुझे फिरोज बख्श से शादी ही नहीं करनी है तो फिर शादी के तोहफे क्यों देखूं? तुम उस हार और तिलस्मी मुजस्मे के जरिए मुझे बुलाते क्यों नहीं? मुझे बुलाओ आफाक, मुझे बुलाओ। किन ख्यालों में खोई हुई है हुजूर? जिन ख्यालों में खोई हुई है उनसे शादी होने में 5 दिन बाकी हैं। 5 दिन? जी हुजूर। सिर्फ 5 दिन? जी हुजूर। जैसे जैसे शादी की तारीख करीब आती है हर लड़की का यही हाल होता है, जैसे आपका हो रहा है। 5वें दिन शहजादा फिरोज बख्त दूल्हा बनकर आएंगे, आपसे निकाह करके आपको अपने महल में ले जाएंगे। खामोश, हमें तुम्हारी ये हंसी जहर मालूम हो रही है। जाओ अब्बा हुजूर से ये अर्ज कर देना, इस वक्त हमारी तबीयत नासाज है, जैसे ही जरा तबीयत संभलेगी हम तोहफे देखने के लिए हाजिर हो जाएंगे।